रोजाना करेला खाने से या फिर इसे जूस पीने से होते हैं ये भयंकर नुकसान। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं पांच ऐसे नुकसानों के बारे में जो करेला खाने से हो सकते हैं, यानी कि जो लोग रोजाना करेले का जूस पीते हैं या करेले की सब्जी खाते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है, तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, उनके लिए करेला तो फायदेमंद होता है क्योंकि करेला खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। लेकिन जिन लोगों का शुगर लेवल लो रहता है ना, उन्हें करेला का ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि करेला ज्यादा सेवन करेंगे तो इससे ब्लड शुगर लेवल और भी लो हो सकता है। वहीं अगर डायबिटीज पेशेंट यानी जिनका शुगर लेवल हाई है, अगर वे भी करेले को ज्यादा डाइट में शामिल करेंगे तो इससे हीमोलिटिक एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। हीमोलिटिक एनीमिया में दोस्तों बार बार बुखार आना, स्किन का पीला हो जाना, ज्यादा थकान महसूस होना, सिर काफी ज्यादा घूमना, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं। इसके अलावा ये लीवर के लिए भी नुकसानदायक है। अगर आप रोजाना करेले का सेवन करते हैं तो लीवर के लिए अच्छा नहीं है। करेले में दोस्तों लैक्टिन पाया जाता है और लैक्टिन से लीवर में एंजाइम्स बढ़ने की आशंका होती है जिससे लीवर में प्रोटीन का संचार रुक जाता है और लीवर बीमार हो सकता है। इसलिए करेला का रोजाना सेवन करने से बचना चाहिए। अगर आपको लीवर से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो आपको भूलकर भी रोजाना करेला नहीं खाना है। करेला खाइए, सीमित मात्रा में खाइए। इसके अलावा ज्यादा मात्रा में करेला खाने से डायरिया भी हो सकता है। करेले का स्वाद कड़वा होता है इसलिए इसे हर कोई नहीं खा सकता। कई माता पिता बच्चों को करेले के फायदे गिनाते हुए करेला हर दिन खिलाने की कोशिश करते हैं, पर करेले का ज्यादा सेवन करने से दोस्तों डायरिया और उल्टी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपको बच्चे को हर दिन करेला खिलाने से बचना चाहिए। इसके अलावा गर्भस्थ से शिशु के लिए फायदेमंद नहीं है। जी हाँ, करेले के बीज में मेमूरचेरिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान नहीं खाना चाहिए। करेला ज्यादा खाने से गर्भस्थ शिशु की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। आप हफ्ते में एक या दो बार करेले का जूस पी सकते हैं, पर रोजाना करेला खाना और करेले का जूस पीना हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप करेला बहुत ज्यादा खाएंगे, इसका जूस पिएंगे तो आपको पेट दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। करेला ज्यादा खाने से कई लोगों को बुखार या फिर सिर में दर्द का एहसास भी होता है। किडनी की सेहत के लिए भी करेले का ज्यादा सेवन नुकसानदायक माना जाता है। अगर करेला खाने के बाद पेट में दर्द हो रहा है तो इसके लिए क्या कीजिए, चावल में घी मिलाकर खाएं, इससे पेट का दर्द ठीक हो जाता है। वैसे दोस्तों आप जानते ही हो कि किसी भी चीज की अति नुकसानदायक होती है, तो आप किसी भी चीज को, अच्छी चीज को भी अगर जोरों से ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। उसी तरह करेले को अगर सीमित मात्रा में खाया जाए तो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में खाओगे, रोजाना जूस पियोगे तो नुकसान तो करेगा ही। तो आपको रोजाना ना खाने के बजाय, रोजाना करेले का जूस ना पीने के बजाय हफ्ते में 2 से 3 बार लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक करते जाइए। आपके इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।